आई जेड मैक्सिमम। तो आई जेड मैक्स की जरूरत कब होती है, जब हमको पावर आई जेड मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, पी जेड मैक्स से। इसका मतलब अगर पी जेड मैक्स मेंशन नहीं है तो आपको कौन सा सेट पूछा गया होगा, ये वाला आई एल मैक्स और आई जेड के, इन दोनों की जरूरत होगी। ध्यान से समझो, अगर क्वेश्चन में पी जेड मैक्स मेंशन नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग का एनालिसिस इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, वैसे बाद में सब समझ में आ जाएगा जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, बट क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारा डेटा है, कहाँ से सॉल्व करना है, अप्रोच क्या लगाएं, पहले क्या करें, तो मैं तुमको एक जनरल एनालिसिस बता रहा हूँ कि ये इस टाइप का सर्किट होगा हमेशा। यहाँ पे या तो लोड चेंजिंग होगा या सोर्स या दोनों। तो अल्टीमेटली कुछ भी हो डेटा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, या तो रेंज ऑफ इनपुट की, इनपुट की वी एन मिनिमम से लेके वी एन मैक्सिमम ये रेंज बताओ क्या होगी सेफ रेंज, या सीरीज रेसिस्टेंस आर एस की वैल्यू पूछ सकते हैं, या आर एल मिनिमम से लेके टू आर एल मैक्सिमम ये पूछा जा सकता है। कन्वर्सली इसको मैं बोल रहा हूँ, आर एल मिनिमम का मतलब आई एल मैक्स और ये आई एल मिन, क्यों, जब मिनिमम लोड है तो मैक्सिमम करंट होगी, मैक्सिमम लोड है तो मिनिमम करंट, तो ये पूछना या फिर ये पूछना, सेम चीजें हैं रेगुलेशन के केस में, या तो आपसे लोड पूछ लिया जाए या करंट, क्लियर है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, इनपुट की रेंज पूछ सकते हैं, लोड की रेंज, लोड की रेंज मतलब लोड करंट मिनिमम टू मैक्सिमम, ऐसे ही लोड वैल्यू, सोर्स में भी मैं बोल सकता हूँ सोर्स करंट मिनिमम टू मैक्सिमम, और सीरीज रेसिस्टेंस आर एस, यही पॉसिबिलिटी है पूरे न्यूमेरिकल में। अब इसके लिए सेट क्या क्या गिवन होंगे, सेट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की पी जेड मैक्स भी गिवन है, आई जेड मिनिमम भी गिवन है, और वी जेड, ये नोन डेटा जो पहले से पता होना चाहिए, अगर गिवन नहीं है तो हम इसको कंसीडर करते हैं जीरो आइडियली, ठीक है, ये तो गिवन होगा ही, और पी जेड मैक्स अगर गिवन नहीं है तो इसकी जरूरत नॉट रिक्वायर्ड। तो नॉट रिक्वायर्ड वाला केस कब होगा, जब यहाँ पे तो जरूरत पड़ रही है, ठीक है, इसका मतलब आई एल मिनिमम आई जेड मैक्सिमम ये वाला सिनारियो नहीं होगा, लोड मिनिमम नहीं है इसका मतलब, लोड करेंट मिनिमम नहीं है इसका मतलब आर एल मैक्सिमम में नहीं होगा, क्लियर है। इस समय या तो फिक्स्ड वैल्यू होगी रेसिस्टेंस की लोड पे, या फिर ये वाला केस होगा मिनिमम रेसिस्टेंस, क्लियर है। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, थोड़ा ध्यान से देखना, लास्ट वाला न्यूमेरिकल हमने जो किया है, अब मैं तुमको नेक्स्ट न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। सारे न्यूमेरिकल्स जो मैं क्लास में करने वाला हूँ, सारे प्रीवियस गेट हैं, ठीक है, प्रीवियस गेट में पूछे गए हैं। देखो स्क्रीन दिख रही है ना क्वेश्चन की, क्लियर है सभी को, क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, बताओ जल्दी से। यस सर, ये वाला केस हमने कर लिया 1992 डेट क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो अभी हमने सिनेरियो समझाया है उसमें देखें, 6 वोल्ट जीनर डायोड, मतलब आपको वीजेड दिया हुआ है, ठीक है, जीरो जीनर रेसिस्टेंस जनरली यही गिवन होगा, नी करेंट आई जेड के गिवन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, आर मिनिमम पूछा है, आर मिनिमम, ठीक है, सोर्स चेंज नहीं हो रहा, तो मिनिमम आर मिनिमम मतलब क्या होगा, करेंट लोड पे क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो टोटल करेंट की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे आई एस की वैल्यू होती है आई एस मिनिमम प्लस आई जेड मैक्सिमम, अगर सोर्स चेंज नहीं हो रहा है तो, और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी आई एल मैक्सिमम प्लस आई जेड मिनिमम, ये कब होगा, जब लोड चेंज हो रहा है, यही दो पॉसिबिलिटी है। सोर्स करंट हमेशा लोड प्लस जीनर करंट के बराबर होगी, अगर सोर्स चेंज हो रहा है तो हम सोर्स में भी मिनिमम मैक्सिमम की कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सोर्स चेंज नहीं हो रहा, तो मैंने आईएस 6 लिख दिया है। यहाँ क्या चेंज हो रहा है, लोड मिनिमम और लोड मैक्सिमम, इन दोनों सेट्स में से कौन सा इक्वेशन हमने यूज
किया है यहाँ या कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे, कोई बता सकता है? इन दोनों केसेस में हम किस केस का यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कौन सा न्यूमेरिकल? ये जो अभी हमने डिस्कस किया, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो जरा क्या हो रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ आर के लिए कौन सा सेट होगा बताओ? सर आईजेड मिन होगा। हाँ आईजेड मिन होगा, ठीक है आईजेड मिन, इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मत बोलो, ये बोलो आई एल मैक्स होगा। क्यों? आई एल मैक्स कोरोस्पॉन्ड्स टू आर एल मिनिमम। तो तुम लोगों को समझना कैसे इस इक्वेशन को, समझो कि आई एल मिन मतलब आर एल मैक्स। क्यों? क्योंकि वेरिएशन लोड के फॉर्म में गिवन है, तो इक्वेशन आप कौन सी सेलेक्ट करना है वो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मिनिमम लोड करेंट मतलब मैक्सिमम लोड रेसिस्टेंस, मैक्सिमम लोड करेंट मतलब मिनिमम लोड रेसिस्टेंस। क्लियर है सभी लोगों को? या कोई डाउट है? क्लियर। न्यूमेरिकल में आते हैं, किसी को डाउट है तो पूछ लेना, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, वेव फॉर्म वाला है। ठीक है, बन जाएगा वैसे, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले रेक्टिफायर क्लिपर क्लैम्पर देखे हुए हैं स्टिल। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ये बताओ जरा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? अजीनर डायोड वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ टनलिंग ऑफ चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन, थर्मोनिक एमिशन, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, होपिंग ऑफ चार्ज कैरियर। हमने क्या पढ़ा हुआ था? टनलिंग, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। ठीक है, तो ये आंसर है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं गेट में। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अजीनर डायोड इन द सर्किट शोन। ठीक है, डेटा एक बार लिख लो सभी लोग पेपर पेन। ठीक है, या फिर हाँ हाँ बोलो। लास्ट वाला ना, देखो इस क्वेश्चन में बीजेड गिवन है बेटा और आईजेड के गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा और सर्किट बना लेंगे। और क्या गिवन है? और कुछ भी गिवन नहीं, इसने आर की मिनिमम वैल्यू पूछी है। ठीक है, इसने लिखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ आर बताओ। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन रीड किया, द 6 वोल्ट जीनर डायोड शोन इन फिगर हैज अ जीरो जीनर रेसिस्टेंस एंड अनी करंट ऑफ 5 मिली एम, द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर सो दैट द वोल्टेज अक्रॉस इट डज नॉट फॉल बिलो 6 वोल्ट। तो मैंने मिनिमम वैल्यू ऑफ आर से पता कर लिया कि मैक्सिमम लोड करंट होगी, और जब मैक्सिमम लोड करंट होगी तो जीनर पे करंट कितनी होगी? जब यहां मैक्सिमम है तो यहां हमेशा ध्यान रखना, दोनों में एक जैसा नहीं हो सकता। यहां मैक्सिमम तो यहां मिनिमम, यहां मिनिमम तो यहां मैक्सिमम। तो क्योंकि लोड पे मिनिमम रेसिस्टेंस है तो करंट मैक्सिमम आई एल मैक्स, और यहां पे मिनिमम करंट जीनर के अक्रॉस, तो आई जेड के। तो इक्वेशन की सेट मैंने देख लिया। अब मैं आता हूं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहां पे हम सॉल्व करके देखते हैं स्क्रीन क्या हो गया। एक मिनट जरा, स्क्रीन तुम लोगों को ब्लैक दिखाई दे रही है? व्हाइट सर, वही वाली जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। ठीक है, हाँ अब डेटा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, क्या क्या गिवन था हमारे न्यूमेरिकल में? VZ 6 वोल्ट, IZ के 5 मिली एम। यहाँ पे VS की वैल्यू क्या है? ये किसी ने देखा? 10 वोल्ट। RS 50 यस सर। ठीक है, और आर मिनिमम पूछा गया, आर एल मिनिमम। ठीक है, ये 6 वोल्ट है ना जीनर, ये 6 था। यस सर। ठीक है, अब देखो मैं इक्वेशन लिखूंगा, अगर क्योंकि सोर्स करंट चेंज नहीं हो रही तो ये आई एस होगा, ये आई एल है और ये आई जेड है। तो इन जनरल आईएस कैन बी रिटन, नहीं दिख रही है सर, नहीं दिख रही ना? नो सर, वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो नहीं दिख रहा। यस सर, वो नहीं दिख रहा। एक मिनट रुक जाओ, अभी दिख रहा है? यस सर, दिख रहा। हाँ ठीक है, मैंने सर्किट बना लिया, और ये ब्लैक स्क्रीन दिख रही है क्या तुम लोगों को अभी इस एरिया में? यस सर। ये अच्छा, वन मोर। यस सर।
ठीक है, अभी मैं देखता हूँ, क्लोज कर दूंगा अभी तो चल जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में 10 वोल्ट मैंने सर्किट बना के वो डेटा सर्किट में लिख लिया। ठीक है, तो इन जनरल IS हमेशा क्या होगा, IS इज ऑलवेज रिटन एज IL प्लस IZ। तो हम अपने क्वेश्चन में कंडीशन देखते हैं सोर्स वेरी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये वाला वोल्टेज अगर फिक्स है और ये रेजिस्टेंस अगर फिक्स है तो ये पॉइंट तो हमेशा फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि रेगुलेशन चाहिए, तो VZ चेंज नहीं होगा, इसका मतलब सोर्स करंट फिक्स है, IS फिक्स। अब इसने बोला RL मिनिमम, तो उस समय लोड पे मैक्सिमम करंट होगी, और क्योंकि लोड पे मैक्सिमम है तो जीनियर पे मिनिमम, तो मैं इक्वेशन ये यूज करूंगा IL मैक्स प्लस IZ के। क्लियर है ये सभी लोगों को? IS की वैल्यू होगी ये, क्योंकि सर्किट में उस समय स्टेट ऐसी है, लोड मिनिमम पे है। अब मुझे IS फाइंड करना है, तो मुझे अगर वोल्टेज पता है यहां से मैं निकाल सकता हूँ करेंट 10 माइनस VZ डिवाइड बाय 50, ये होगी IS की वैल्यू। IS इज 10 माइनस VZ इज 6 डिवाइड बाय 50, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 50। जनरली मिलियंस में करेंट फाइंड करते हैं, तो 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 80 मिली एम्पियर। क्लियर है? IS 80 मिली एम्प है। ठीक है, अब ये मैं इक्वेशन में अप्लाई कर देता हूं, तो 80 मिली एम्पियर, 80 मिली इक्वल टू IL मैक्सिमम, ये तो पता नहीं है क्योंकि रेसिस्टेंस ही पता नहीं है, प्लस जीनर मिनिमम पता है, कितना दिया हुआ है 5 मिली 5, तो IL मैक्स कितना आ जाएगा 75। ठीक है, ये भी मिली में 75 मिली एम्पियर। तो क्योंकि IL मैक्स अब मुझे पता लग चुका है, तो इस पॉइंट पे हमेशा वोल्टेज फिक्स होता है VZ, रेगुलेशन अगर आपको अचीव करना है तो VZ है, तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अगर VZ है और करंट IL मैक्सिमम जो पता है अब, तो हम क्या RL मिनिमम फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यूजिंग ओम्स लॉ V=IR से। ठीक है, तो अप्लाई करो ओम्स लॉ इस रेसिस्टेंस में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, VZ=IL मैक्सिमम इंटू RL मिनिमम। यहां से RL मिनिमम की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, कितनी होगी, VZ डिवाइड बाय IL मैक्सिमम, यही होगा 6 डिवाइड बाय 75 इंटू 10 क्यूब। ये चेक करोगे तो 80 आई थिंक आंसर आता है, आराम 80। यस सर 80। ठीक है, yes, sir. इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल। अब इसमें मैंने जो पहली बार आप लोगों को एनालिसिस में इक्वेशन यूज कराई थी, वो ये था कि अगर आप इस केस को ध्यान से देखो, तो जीनियर पे मिनिमम करेंट इतनी है, ठीक है, और लोड पे मैक्सिमम करेंट ये है, उस समय लोड पे मैक्सिमम इतना करंट है। अब मुझे बताओ सोर्स पे अगर करंट कम हो जाए, सोर्स में अगर करंट की वैल्यू से कम होती है तो क्या होगा, सोर्स में अगर करंट कम होती है तो इन दोनों ब्रांच में कहां करंट रिड्यूस होगी सर, IZ के कहीं भी हो सकती है ना, हाँ, या तो IZ के ड्रॉप हो जाएगा या IL मैक्स। सर जब IZ के मिनिमम ही है हमारे इस इक्वेशन में, तो उसको और कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? रिड्यूस का मतलब कि बेटा अगर करंट सप्लाई ही कम हो जाए, यहाँ पे आ रहा है 75 दूसरी जगह जा रहा है, अब अगर मैं 80 की जगह 70 मिली एम सप्लाई ही करता हूँ, मतलब मैंने सोर्स अगर चेंज कर दिया ये, तो ये दोनों में से कोई एक ब्रांच में करंट रिड्यूस होगी सर, लेकिन फिर जीरो डायोड चलेगा ही कहाँ? हाँ, तो यही मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ, इसका मतलब कि रेगुलेशन ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? तो कम से कम करेंगे, हाँ, डिसाइड कैसे करेंगे सर, IRL कम हो रहा है कि IZ, डिसाइड नहीं करना है, ये कंस्टेंट मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे IS शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कंडीशन मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन को जो मैंने ग्रेटर लेस देन कराया है, ये तुम लोगों को कंफ्यूजन है वो मैं तुमको अब बता रहा हूँ, कि अगर पहली बार पे अगर मैं लिख देता यहाँ IS ग्रेटर और इक्वल टू, तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सर ग्रेटर कैसे आ गया, तो मैंने नॉर्मल IS इक्वल टू IL प्लस IZ से तुम लोगों को कंडीशन बताई,
और अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सोर्स में करंट फॉल होती है, इससे कम होती है, तो रेगुलेशन ब्रेक हो जाएगा। तो रेगुलेशन के लिए ये कंडीशन मस्ट है, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। क्लियर है? Yes, एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को जो स्टार्टिंग में समझाई थी, ये फिर से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और आगे वाली नहीं मिलते। कोई कंफ्यूजन अभी बताओ अगर किसी को है किसी भी पॉइंट पे, कोई भी डाउट है या अगला क्वेश्चन करें? सर अगला क्वेश्चन। हाँ ठीक है, एक मिनट को जरा इसको क्लोज कर लूँ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है? ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 1996 क्वेश्चन 1। अ ज़ीनर डायोड इन द सर्किट शोन है अ नी करंट। तो सब लोग अपना अपना डेटा लिख के जाओ एक बार अपने साथ में, जो कॉपी है या पेपर है उस पर। नी करंट मतलब आईजेड के, क्या दिया? आईजेड के 5 मिली एम्पियर एंड मैक्सिमम अलाउड पावर डिसिपेशन मतलब आईआरएल पावर डिसिपेशन मैक्सिमम अलाउड पावर डिसिपेशन जेड मैक्स। हाँ ये पूरा पढ़ो सेंटेंस एक बार। अ ज़ीनर डायोड इन द सर्किट शोन है अ नी करंट ऑफ 5 मिली एम्प्स एंड अ मैक्सिमम अलाउड पावर डिसिपेशन ऑफ 300 मिली वॉट। मतलब ज़ीनर डायोड का डेटा दिया हुआ है, तो ये आईजेड के है और ये पीजेड, ये पीजेड मैक्स, पीजेड मैक्स से क्या निकाल सकते हैं हम लोग? आईजेड, ठीक है। अभी आईजेड मैक्सिमम निकाल सकते हैं, आईजेड मैक्स निकाल। हां आप देखो यहां, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम लोड करंट दैट कैन बी ड्रॉन सेफली फ्रॉम द सर्किट कीपिंग द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट कॉन्स्टेंट एट 6। अब देखो इसने दोनों जगह मेंशन कर दिया है कि ज़ीनर डायोड आपका 6 वोल्ट का है सर्किट में और रेगुलेशन भी 6 वोल्ट का चाहिए, ठीक है, सेम ही होगा हमेशा। और यहाँ पे सोर्स चेंज नहीं हो रहा, लोड चेंज कर रहा है। लोड चेंज कर रहा है मतलब कि इसने करंट पूछी है आई एल मिनिमम और आई एल मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो इक्वेशन यूज की है उसी इक्वेशन से हम लोगों को आईएल मिनिमम और आईएल मैक्सिमम पता लगता है, दोनों सेट होते हैं। लगा सकते हो इस क्वेश्चन में, अप्लाई कर सकते हो, आंसर कैलकुलेट कर सकते हो क्या? ट्राई करो एक बार, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, ट्राई करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है मैंने। इक्वेशन सेट्स क्या यूज होंगे कोई बता सकता है? आईएस तो फिक्स्ड है, तो आई एस की वैल्यू आई एल और आई जेड के फॉर्म में लिखेंगे, बट आई एल चेंज हो रहा है, एक बार मिनिमम एक बार मैक्सिमम। तो एक बार मिनिमम से मिनिमम करंट निकाल सकते हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट आई एल मैक्स। ट्राई कर रहे हो कि नहीं ये बताओ, बनेगा या बिल्कुल भी नहीं बनेगा? सर कर रहे हैं। हाँ चैट बॉक्स में बाकी लोग, किसी को डाउट है तो मुझे डाउट पूछो जब तक इन लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्योंकि 100% तो पॉसिबिलिटी नहीं कि सभी लोगों को समझ में आ रहा हो, आधे लोग छोड़ के बैठे होंगे मोबाइल अपना कहीं भी। ठीक है, पहले तुम लोगों को निकालना है आई जेड के गिवन है, आई जेड मैक्सिमम निकालना है इस क्वेश्चन में। तो आई जेड मैक्सिमम निकालो, सिंपल एक एक सिंपल स्टेप में आंसर आ जाएगा, सिर्फ एक स्टेप। वैल्यू बताना मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या क्या आ रही है। सर आई एल मिनिमम 1.2, आई एल मिनिमम 1.2 और आई एल मैक्सिमम इसको निकाल लें 3/50 60 में से 5। सर 1 मिली एम्पियर सर आईआरएल मैक्स, 1 मिली एम्पियर आईएल मैक्स। नहीं नहीं गलत करता है, मुझे लग रहा है सर। हाँ
सर आईएल मैक्स की वैल्यू 55 मिली एम्पियर और आईएल मिन मिन की वैल्यू 10 मिली एम्पियर। सही है, ये सही है, 55 तो सही है, 10 वाला चेक करने दो। मैक्सिमम आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 650 60। हाँ सही है, 10 आ रहा ना। यस सर। हाँ मिनिमम 10 और मैक्सिमम 55। बाकी लोगों ने क्यों गलत कर दिया, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये तो। किसने सॉल्व किया, नाम बताओ जरा मुझे, मेरे को स्क्रीन में नाम दिखाई नहीं दे रहा, बताओ बेटा किसने किया ये सॉल्व। सर मैंने नवनीत। ठीक है, इसको स्क्रीन यहाँ पे लेता हूँ। चलो बाकी लोग बताओ मुझे। देखो ये क्वेश्चन में उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग जो है आधे से ज्यादा लोग मतलब एक ही आंसर आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। कितने लोगों ने आई जेड मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया ये बताओ, और आई जेड मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है। आई जेड मैक्स 50 मिली एम्पियर। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर सबका आ रहा है आईजेड मैक्स। यस सर। फिर कैसे गलत हो रहा है, जब तुम्हारा आईजेड मैक्सिमम कैलकुलेट हो चुका है तो यहाँ तो फिर कुछ बचा ही नहीं। अब देखो यहाँ फिर से ये स्क्रीन अभी नहीं फिर एक मिनट ये वन नोट दिखाई दे रहा है आपको। यस सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन का सर्किट देखते हैं, हर बार सर्किट सेम है इसलिए गड़बड़ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे सोर्स बताओ कितना है, सोर्स वोल्टेज 9 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 50 है, और यहाँ पे आर कितना, आर का अपन को निकालना है, यहाँ आई एल मिनिमम एंड आई एल मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ आई जेड है। अब मुझे ये बताओ आई एस की वैल्यू कितनी होगी। 60। 9 - 6 / 50। ठीक है, और एक किलो ओम है, किलो ओम है, किलो ओम है ना। यस। तो कितना हो गया ये, तो 60 आ रही है आई एस की वैल्यू, फिर 60 मिली एम, नहीं एक मिनट ज़्यादा डेटा चेक करने दो, 50 ओम है बेटा, किलो ओम नहीं है ना, इसको 50 ओम तभी तो आएगा मिली में, 50 ये इसको किलो से हटाओ ज़रा, किलो नहीं है, सो ये तुम्हारा 50 ओम है। अब ये बताओ ये वैल्यू सब लोगों की आ गई क्या। यस सर। मैं ये लाइन पर आना, हाँ ऊपर लैब में आ रहा हूँ, मेरे लेक्चर है अभी, सेकेंड ले लिया मैंने, थर्ड था है ना। हाँ तो आधे घंटे और। ठीक है ठीक। हाँ तो ये आई एस की वैल्यू कितने लोगों ने कैलकुलेट कर ली सही, 60 मिली एम्पियर, पहले मुझे ये बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कितने लोगों ने आई एस कैलकुलेट कर लिया था ये। यस सर आ गया, अनम्यूट करके बताओ आ गया था। ठीक है, अब बेटा आई एस जब कैलकुलेट अगर अपन ने कर लिया तो हमको आई एस की इक्वेशन पता है, आई एस की वैल्यू होती है आई एल प्लस आई जेड, आई एल जेड। अब अगर आई एल मिनिमम है तो आई जेड मैक्सिमम मैक्सिमम होगा, और जब आई एल मैक्स है तो आई जेड जेड मिनिमम होगा। मुझे ये बताओ आई एस तुमने फिक्स वैल्यू निकाल ली है, ये निकल चुका है, ये कैलकुलेट करना है, ये है क्या, ये नहीं है, तो ये कैसे निकालेंगे, पी जेड मैक्स डिवाइड बाय वी जेड हमेशा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 डिवाइड बाय 6 मिली में है तो मिली वॉट हो जाएगा। हाँ 50 मिली वॉट और 50 मिली एम्पियर। हाँ हेलो क्या देखा है, नहीं 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 ये किसी नहीं 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 ए आर आ रही ना,
इनक्यूबेशन आर में से तो किसी के पास था, ये अलग से है क्या कि एआईसीटी के अंदर? हाँ तो ये किसी और के पास था सर। हाँ ठीक है, तो यहां से मैंने पीजेड मैक्स और वीजेड के रेशियो से निकाल लिया आईजेड मैक्स, ये वैल्यू कितनी है 50 मिली एम्पियर। अब इसे इक्वेशन में पुट करना है, कितने लोगों का आ गया बताओ? आईएल मिनिमम आ गया बॉक्स में, बाकी लोग बताओ आ गया? कितने लोगों सबका आ गया ना, कोई एक ऐसा जिसका नहीं आया हो या कंफ्यूजन हो कहीं भी कंसेप्ट में? देखो न्यूमेरिकल का आंसर लेके आना ये नहीं है टारगेट, न्यूमेरिकल का अप्रोच क्या है ये समझना जरूरी है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना, डिफर नहीं होता। मतलब ये अगर तीनों टाइप का क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आया था मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को 2013 में, उसके अलावा बाकी और ट्रिकी इतना ज्यादा भी नहीं था वो, ठीक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी जो है सारे क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल ही आए हैं, 2 मार्क्स 1 मार्क्स गेट में। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल की स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस सर वही दिख, नो सर आप जहां सॉल्व करें वो दिख। हां ठीक है अब आते हैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट, ये देखो इसका आंसर था सी 10 मिली एम्पियर और 55 मिली एम्पियर, यही आया आंसर सबका? हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रेगुलेशन का है, ठीक है इसका फॉर्मूला मैं तुमको बताऊंगा नो लोड और फिक्स फुल लोड के लिए, शायद तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी हो लोड रेगुलेशन का कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, पहले होता था अब तो पता नहीं सिलेबस चेंज हो गया क्योंकि, ठीक है तो ये अभी छोड़ दो, ये अभी ये वाला क्वेश्चन भी फिलहाल के लिए छोड़ना होगा, क्यों? क्योंकि इसमें बीजेटी लगा हुआ है, बीजेटी का कंसेप्ट थोड़ा सा लगेगा एक अगर इक्वेशन पता है तुम लोगों को, आईसी इक्वल टू बीटा आईवी एक्टिव रीजन में सैचुरेशन में क्या यूज करते हैं हम लोग, ठीक है तो इसको भी मैं फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, बीजेटी की टाइम पे तुम लोगों को ये वाला मैं बीजेटी के साथ कैसे सॉल्व करते हैं ये बताऊंगा। ठीक है सिर्फ अभी हम संट रेगुलेटर, जो संट रेगुलेटर मैंने सर्किट बनाया बस उसी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ये हमारा मैच कर रहा है केस से, अजीनो डायोड रेगुलेटर इन फिगर इज टू बी डिजाइंड टू मीट द स्पेसिफिकेशन IL equal to 10 milliamp, IL इसने बता दिया 10 milliamp चाहिए fix, तो RL change हो रहा है क्या? बताओ fix होगा? नहीं होगा, हाँ ठीक है fix होगा, कुछ भी fix होगा जो भी है, V not 10 volt, ठीक है, V in change हो रहा है 30 to 50 volt, Zener diode has VZ 10 volt, IZ के 1 milliampere, देखो क्या क्या डेटा दिया है क्वेश्चन में, मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ इस फिगर में, V in changing है और लोड फिक्स है, तो ये वाला चेंज हो गया, इनपुट चेंजिंग और लोड लोड फिक्स्ड, इनपुट चेंजिंग एंड लोड फिक्स्ड, सबको क्लियर है? अब इनपुट गिवन है, लोड गिवन है मतलब लोड करंट गिवन है, ठीक है इसके अक्रॉस वोल्टेज भी गिवन है जीनर डायोड का वोल्टेज, और जीनर पे मिनिमम करंट गिवन है, जीनर की मैक्सिमम गिवन नहीं है, इसका मतलब मैक्सिमम वाले केस की जरूरत होगी या नहीं होगी? नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना इतने सारे डेटा में कौन सा यूजफुल है वो तुरंत ही डिसाइड हो जाता है, अगर आपके क्वेश्चन में IZ के बस गिवन है तो IZ मैक्स वाला इक्वेशन यूज मत करो, उसका मतलब ही नहीं है, क्यों? IZ मैक्सिमम कैलकुलेट ही नहीं हो सकता आपका, तो उसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने इस क्वेश्चन से कंक्लूजन निकाल लिया। अब एक बार डेटा जल्दी से लिख लो, मैं न्यूमेरिकल जो बना रहा हूं अभी सर्किट उसमें मुझे बताना, ठीक है डेटा इनपुट 30 टू 50 वोल्ट, IL 10 mA, VZ या V not 10 volt, IZ के 1 mA, R पूछा सीरीज रेसिस्टेंस, तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि R की वैल्यू भी पूछ सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है यहाँ 6 मिली एम्पियर थी, 6 है ना? सर 10 थी। अच्छा 10 थी, 10 मिली एम्पियर,
ये आर पूछा गया है, ये कितना था, 10 वोल्ट 6 वोल्ट सर, ये 1 नहीं नहीं, ये मिनिमम करंट अलग है आई जेड के, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, वी जेड बताओ 10 वोल्ट यस सर 10 वोल्ट। इनपुट इनपुट कहां से कहां चेंज हो रहा है, 30 to 50 ठीक है, ये डेटा मैंने सब लिख दिया। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले एनालिसिस जो किया है कि आईजेड के बस गिवन है, आईजेड मैक्स गिवन नहीं है। इक्वेशन जो होती है यहाँ होता है आई एस, यहाँ आई एल, ठीक है, आई एल भी फिक्स दिया हुआ है आईजेड के, तो हम जो केवीएल से इक्वेशन और केसीएल से इक्वेशन लिखते हैं आई एस इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड, और इसी समय आई एस इक्वल टू मैं लिख सकता हूं आई एल मैक्स, ठीक है, और आई जेड के, ठीक है, आई एल मैक्स लिखो या नहीं भी लिखो तो चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आई एल फिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्स भी लिख देंगे तो सेम करंट होगी, आई जेड के मिनिमम करंट। तो ये वाली इक्वेशन यूज होगी, ये कितने लोगों को क्लियर है कंसेप्ट, सभी लोगों को क्लियर है। अब मुझे देखो, अब मैं फिर से ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ, जस्ट पहले मैंने तुम लोगों को एक ऑब्जर्वेशन बताया है, सोर्स अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब करंट चेंज हो रही है आई एस मिनिमम से आई एस मैक्सिमम पे, ठीक है, तो अगर ये मिनिमम है तो सोर्स मिनिमम करंट प्रोवाइड करेगा, सोर्स वोल्टेज मैक्सिमम है तो मैक्सिमम करंट प्रोवाइड करेगा, तो चेंज करंट कहाँ होती है, यहाँ, यहाँ करंट चेंज होती है, yes. होती ना, ये yes, वाले ब्रांच में तो फिक्स है। अब आई जेड यहाँ मिनिमम होगा और आई जेड मैक्सिमम होगा, इस समय मुझे बताओ, इस समय आई जेड अगर मिनिमम पे है तो सोर्स पे मैं कौन सी इक्वेलिटी इम्पोज करूं, ग्रेटर देन वाली या लेस देन वाली, समझ के बताओ तुम लोग थोड़ा सा, ठीक है, मैं कुछ भी आगे नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले मैंने लेस देन वाली से, लेस देन इक्वल्स, बाकी लोग सर क्योंकि वहां पे आईएल जो है वो फिक्स है और यहाँ पे आईजेड के मिनिमम है, तो आप मुझे ये बताओ, हाँ सुनो, अगर आप बोल रहे हो आईएस मिनिमम, आईएस भी मिनिमम होगा सर, नहीं नहीं आईएस मिनिमम तो होगा, ये तो बिल्कुल ठीक है, चलो आईएस मिनिमम होगा, अब मुझे ये बताओ आईएस अगर मिनिमम है तो यहाँ में ग्रेटर देन लिखना चाहिए मुझे या लेस देन लिखना चाहिए, आईएस मिनिमम की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए इससे कम, क्यों, आईएस मिनिमम चेंज हो रहा है और वही करंट दो ब्रांच में जा रही है, ये करंट तो फिक्स है, ये करंट चेंज हो रही है, अगर मैं सोर्स का करंट इससे कम कर दूं तो कंडीशन यहाँ पे कुछ चेंज होगी क्या, ये आप लोगों को एनालिसिस करना है, ये एनालिसिस अगर समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल तुम लोगों को ब्लाइंडली बन जाएंगे, नहीं तो फिर तुम लोगों को बार बार कंफ्यूजन होगा कि कब ग्रेटर देन, इक्वेलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, इक्वेलिटी जो है एक्सट्रीम केस है, इक्वेलिटी से ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वेलिटी की जरूरत पड़ेगी आगे, तो मैं यही इक्वेशन में तुम लोगों को समझा रहा हूँ। अब मुझे फिर से बताओ एक चीज, समझो यहाँ आई जेट मिनिमम कितना है, 1 मिली एम्पियर है और ये 10 मिली एम्पियर है, अब मुझे बताओ अगर सर्किट में 11 मिली एम्पियर से कम करंट अगर हो गई सोर्स से, सोर्स अगर 11 मिली एम्पियर से कम करंट प्रोवाइड करेगा तो रेगुलेशन ब्रेक होगा कि नहीं, हो जाएगा सर, तो मैं यहाँ इक्वेलिटी क्या लगाऊं, ग्रेटर देन आईएस, ग्रेटर देन, ग्रेटर आईएस, ग्रेटर देन, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि आईएस मिनिमम मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, क्लियर है सर, यस सर क्लियर, ये मैंने तुम लोगों को समझा के बताया, और ब्लाइंड फोल्ड अप्रोच कभी भी जीनर पे मिनिमम करंट होगी तो हमेशा इक्वेलिटी ग्रेटर देन की आएगी, कभी भी जीनर पे समझो क्यों, क्योंकि जीनर पे अगर मिनिमम है और सोर्स उससे कम हुआ तो करंट जीनर में ही ड्रॉप हो जाएगी और जीनर बंद, तो हमेशा कंडीशन क्या होगी, इक्वेलिटी ग्रेटर की, और अगर जीनर पे मैक्सिमम है तो हमेशा इक्वेलिटी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू, क्यों, क्योंकि अगर उससे ज्यादा करंट हुई सोर्स पे तो मैक्सिमम करंट से ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा जीनर में और वो बंद हो जाएगा, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ये रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, कि जीनर से मिनिमम से कम हुई सोर्स में तो यहाँ करंट फॉल कर जाएगा और मैक्सिमम से ज्यादा हुई तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, इसलिए मैं जीनर करंट को देख के इक्वेलिटी डायरेक्टली लगा सकता हूँ, पर समझना चाहिए तुम लोगों को कि सोर्स में कम होगा या ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन क्या है,
और डायरेक्ट याद करने का तरीका यही है कि जीनर पे मिनिमम तो इक्वलिटी, अगर सोर्स वेरी कर रहा है तो हमेशा ग्रेटर की होगी, और जीनर पे मैक्सिमम तो हमेशा सोर्स मिनिमम। तो जब मैं अगर यहाँ ग्रेटर लगाऊंगा, समझो अगर मैं यहाँ ग्रेटर लगाऊंगा तो मैं इसको मिनिमम करेंट बोलूंगा, बोलूंगा ना ऑब्वियसली। अगर मैं बोलता हूँ कि इससे ज्यादा होनी चाहिए तो वो करेंट कितनी होगी, मिनिमम करेंट जो सोर्स प्रोवाइड करे। अगर मैं इक्वलिटी ग्रेटर की लगाता हूँ इसका मतलब सोर्स करेंट की मिनिमम वैल्यू है वो जो हमको चाहिए, और अगर मैं इक्वलिटी लगाता हूँ ये आईएस लेस देन तो ये मैक्सिमम बाउंड होगा ना, ये दो रेंज है, इसके बीच मैं बोल रहा हूँ कि इसके बीच में वैल्यूज चाहिए मुझे, ठीक है, यहाँ इससे बड़ी और इससे छोटी इस रेंज में चाहिए मुझे, तो इस रेंज में चाहिए तो ये वाला बाउंड कौन सा होगा, मिनिमम का, और ये वाला बाउंड मैक्सिमम का। तो इसलिए मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा ग्रेटर देन होनी चाहिए, और यहाँ कंडीशन लगाऊंगा लेस देन होनी चाहिए, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ लेस देन इक्वल टू। तो जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होगा वो हमेशा मिनिमम करेंट होगी, जहां लेस देन इक्वल टू होगा वो हमेशा मैक्सिमम करेंट अलाउड जो है। ये कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। अब इस कंसेप्ट से मुझे तुम लोग आर कैलकुलेट करके बताओ जरा, ठीक है, कैसे कर सकते हो समझो, आईएस मिनिमम कैसे निकालोगे। देखो मैंने कितनी जो है एक इक्वालिटी से यहाँ मिनिमम का साइन बता दिया, और मिनिमम से अब मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि वोल्टेज कौन सा यूज होगा, वोल्टेज कौन सा यूज होगा। तो मुझे आईएस मिनिमम तुम कैलकुलेट करो, आईएल मैक्सिमम जो है तुम लोगों को आईएल फिक्स है तो आईएल मैक्सिमम की जगह आईएल आ जाएगा, और आईजेड के मिनिमम है, ठीक है, तो यहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या होगी, वीएस मिनिमम माइनस वीजेड डिवाइड बाय आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आईएल मैक्सिमम 1+10। यहां से मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताओ, अगले साल होंगे उनके पास ही चले जाए वो डिजाइन सेंटर में, नीचे डिजाइन सेंटर। हाँ ठीक है, किसी ने किया कैलकुलेट? सर आरएल लेस देन इक्वल टू 1.8। आरएल नहीं, आर है ये, आरएल लेस देन इक्वल टू, सॉरी 1.81 1.87 किलो। ये मिली है, ये मिली है, हाँ 1818 आएगा ये, देखो जरा 1818 आ रहा है। यस सर। 30 माइनस वीजेड कितना है 10 डिवाइड बाय आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 11, 20 डिवाइड बाय 11 शुड बी लेस देन इक्वल टू आर, तो आर शुड बी सॉरी ये इक्वलिटी ग्रेटर की थी यहाँ पे, ग्रेटर तो इक्वलिटी जब आप साइन वो साइड चेंज करते हो तो चेंज हो जाती है, अभी ग्रेटर है तो यहाँ लेसर हो जाएगी, 20 डिवाइड बाय 11 ये मिली है तो एक किलो से मल्टीप्लाई। कितने लोगों का आंसर ये आ रहा है बताओ मुझे, नहीं आ रहा तो मैं सर एक्सप्लेन करूंगा। आ रहा है सर, आ रहा है सर। जितने लोगों का आ रहा है वो तो yes, नहीं आ रहा है वो yes, सभी लोगों का आ गया। यस यस। कांसेप्ट न्यूमेरिकल का पूरा क्लियर है, इसमें कैसे मैंने क्वेश्चन लगाई है, डेटा में देखो तुम लोगों के पास कितना सारा गिवन था, 30 भी है 50 भी है, ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों के पास मिनिमम करेंट है तो मैं 50 का, मैंने 50 का यूज क्यों नहीं किया कोई मुझे बता सकता है कि मैंने यहाँ 50 माइनस वीजेड क्यों नहीं लिखा? सर क्योंकि आईएस मिनिमम, क्योंकि आईएस मिनिमम की बात हो रही तो आईएस मिनिमम सोर्स मिनिमम के केस में होगा। अब आईएस मिनिमम क्यों लिखा, कितने लोगों को क्लियर है ये, मिनिमम ही क्यों लिखा, मैक्सिमम क्यों नहीं लिख दिया मैंने, क्योंकि आईजेड के मिनिमम मतलब जीनर करंट मिनिमम है ना सर। हाँ अब ये समझो ये कैसा, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ, सोर्स मिनिमम क्यों लिखा समझो ध्यान से, जितने लोगों को नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ जीनर मिनिमम करंट लिखी है, मिनिमम मैंने कहाँ से लिखा, क्योंकि लोड फिक्स्ड है और जीनर पे जो करंट बना हुआ है वो सिर्फ एक ही केस गिवन है क्वेश्चन में,
तो मैंने क्वेश्चन में जो मेंशन है वहां से आईजेड के लिखा। जैसे ही मैंने आईजेड के लिखा तो मुझे ये पता लग गया कि सोर्स, अगर जीनर पे मिनिमम करंट है तो ये सोर्स में मिनिमम करंट की बात कर रहा हूं मैं, कि सोर्स से कम इतनी करंट तो मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिली तो रेगुलेशन नहीं होगा। तो मैंने यहाँ आईएस मिनिमम लिखा, और कंडीशन हमेशा मिनिमम में इक्वलिटी ग्रेटर की होती है, या ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर जीनर पे मिनिमम करंट है तो कम से कम इतनी करंट आनी चाहिए, तो मैं ग्रेटर का साइन लगाऊंगा यहाँ पे, और ग्रेटर मतलब ये मिनिमम करंट, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिवली कन्वर्सली ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो ये इक्वेशन यूज की, फाइनली मैंने आर कैलकुलेट कर लिया। बातें न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल में आंसर चेक करके बताओ मुझे क्या आएगा। ये है न्यूमेरिकल, आंसर क्या आएगा बताओ, ए बी सी डी। 1818 आ रहा है, आर शुड बी लेस देन 1818। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए। क्लियर है सबको, आंसर ए 2002 का, ये दो नंबर का क्वेश्चन था शायद, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं। अगला यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से डेटा पढ़ो। इन द वोल्टेज रेगुलेटर सोन द लोड करंट कैन वेरी, लोड करंट वेरी हो रहा है मतलब चेंज क्या हो रहा है, लोड रेसिस्टेंस, ठीक है, 100 to 500 मिली एम्पियर, ये रेंज भी दे दी इसने। अज्यूमिंग द जीनर डायोड इज आइडियल, अज्यूमिंग दैट द जीनर डायोड इज आइडियल, ठीक है, आइडियल मतलब रेसिस्टेंस जीरो है और नी करेंट जीरो है, समझ आ गया, आई जेड के जीरो है और आर आर जेड जीरो है, जीनर का रेसिस्टेंस भी जीरो है और आई जेड के भी जीरो है, मिनिमम करेंट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आर पूछा इसने कि वैल्यू ऑफ आर क्या होगी ये बताओ, देखते हैं सॉल्व करके, फिर से आते हैं अपन सर्किट में। अब मुझे ये बताओ कि आई जेड के जीरो है और आई जेड मैक्सिमम पता नहीं है, तो मैं इक्वेशन कौन सा यूज करूंगा, कौन सी इक्वेशन यूज होगी, लेस देन इक्वल टू वाली, हाँ मतलब जहां आई जेड के आता है ना, तो लेस देन इक्वल टू यहाँ पे बना देते हैं, जैसे सोर्स रेसिस्टेंस जीनर और ये, तो यहाँ तुम लोगों को करेंट दिए 100 से 500 मिली एम्पियर, ये आर पूछा गया है ना, और वी इनपुट कितना है, इनपुट बताओ जरा सर, 12 वोल्ट, रेगुलेशन कितना का चाहिए, यहाँ वोल्ट कितना चाहिए, 5 वोल्ट, ठीक है, ये 5 वोल्ट। अब सेम कंडीशन आई एस इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड, हमेशा यही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आई जेड के जीरो है और आर जीरो है, आर जेड सीरीज रेसिस्टेंस जो होता है हमेशा जीरो होता है, वैसे ये मैक्सिमम केस में 98% केस में आई जेड मैक्सिमम गिवन है, क्या गिवन है, क्या आई जेड मैक्सिमम, आई जेड मैक्सिमम डायरेक्टली गिवन नहीं है, पी जेड मैक्सिमम गिवन है क्या बताओ, नहीं है, तो इसकी जरूरत नॉट रिक्वायर्ड, तो मैं यहाँ पे आई जेड के अगर लिखता हूं तो आई एल क्या होगा, आई एल क्या होगा, मैक्सिमम, तो ये करंट क्या होगी, मिनिमम, इसको मैं लिखूंगा आई एस मिनिमम, तो आई एस मिनिमम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, सर आई एस ग्रेटर देन इक्वल टू, सबको क्लियर है ये लाइन जो मैंने लिख दिया, यस सर, ठीक है, अब लिखते हैं आई एस मिनिमम 12 माइनस 5 डिवाइड बाय आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई एल मैक्सिमम 500 है और आई जेड मिनिमम 0 है, तो 7 डिवाइड बाय 500 मिली शुड बी ग्रेटर देन आर, तो आर शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना आ चाहिए, 14। क्लियर है सभी लोगों को, कोई डाउट, अब आते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं आंसर। क्या आंसर आएगा देखो, द जीनर रेसिस्टेंस इज जीरो, द वैल्यू ऑफ आर, यहाँ यहाँ समझो, यहाँ इसने कुछ भी नहीं बोला है आर मिनिमम, मैं तुमको ये एडिशनली, ये मैं तुमको एडिशनली बता रहा हूँ कि आर मिनिमम और आर मैक्सिमम का बाउंड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आर शुड बी लेस देन इक्वल टू 14 हमारा अगर आंसर है,
तो एक ही आंसर है जो सेटिस्फाई करेगा यहाँ, और वो है डी। ठीक है, तो डी आंसर हम चेक करते हैं। डी आ रहा है, डी क्लियर है सबको? यस। अगला ट्राई जो डिटेक वाला लिखाता हूँ। जीनर डायोड इन द रेगुलेटर सर्किट शोन हैज अ जीनर वोल्टेज ऑफ 5.8 वोल्ट्स, वीजेड कितना है? 5.8 वोल्ट्स। और मिली करंट कितनी है? 0.5 मिली एम्पीयर। मैक्सिमम लोड करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट एंसरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ओवर द इनपुट रेंज। इसने क्या पूछा है तुमसे? मैक्सिमम लोड, और वही पूछा जा सकता था। क्यों, कोई बता सकता है कि सिर्फ ये क्यों पूछा जा सकता था? मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम लोड करंट पूछ सकते हो। हाँ, क्योंकि आईजेड मैक्स पता नहीं है अभी, क्योंकि आईजेड मैक्स पता नहीं है, गिवन आईजेड मिनिमम है। अगर आईजेड मिनिमम गिवन है तो आईएल मैक्स ही होगा। तो या तो यहाँ मैक्सिमम लोड पूछ, मिनिमम लोड पूछा जा सकता है, मतलब आरएल मिनिमम या आईएल मैक्सिमम। ठीक है, अब मुझे मिनिमम पूछेंगे तो सर फिर आईजेड मैक्स की जरूरत पड़ेगी ना उसके लिए। हाँ, तो आईएल मिनिमम नहीं पूछेंगे ना, आईएल मैक्सिमम पूछेगा, या तो फिर आरएल मिनिमम। अगर आईएल मैक्सिमम, आईएल मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, सॉरी आईएल मैक्सिमम बोल रहा हूँ, तो उसको कन्वर्सली आरएल मिनिमम भी बोल सकता हूँ। दोनों एक ही पॉइंट है। ओके।